जहां मनुष्यों में लगाएंगे अपन, नहीं मनुष्य क्रेंचों में लगाएंगे तो उनके पास में आहार आहार मिश्र और बैक्टीरिया बैक्टीरिया मिश्र मिलेगा। देव और नाग में लगाएंगे तो उनके पास में औदारे औदारे मिश्र और आहार आहार मिश्र नहीं होगा। तो इस प्रकार से उन्हें चार की कमी हो जाएगी, तो 11 और मनुष्यों में 14 लाख करोड़ में 13 है, तो उनके पास में बैक्टीरिया और बैक्टीरिया मिश्र नहीं है। फिर वेद मार्ग के अनुसार 116 में 116 लाख करोड़ में एक, तो इसमें 67 तो हो गए एक नेत्री के, फिर 24 निकले नीले और 25 नाभि के, ये मिला करके 116 लाख करोड़ में एक यानी नपुंसक के। फिर 26 में तो वे तो ये देवों में और 57.5 लाख करोड़ 3 में, तो इसमें जो 3 वेद होते हैं वो 43.5 त्रेंचों के और 14 मनुष्यों के, इनको मिला करके हमें 3 वेद होते हैं। कषाय मार्ग के अनुसार 57.5 में 25 कषाय, तो इसमें 85 त्रेंच और मनुष्य, तो 43.5 में 14 मिलकर के 57.5 हो गए। 26 में 24, तो 26 लाख करोड़ में है उसमें 24 कसाय, क्योंकि जहाँ देव होते हैं उनमें नपुंसक देव नहीं होता। और 116 में 23 कसाय, तो ये नपुंसक देव, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, एकेंद्री विकेंद्री और नारकी, लगे नपुंसक पर लगा है देव 116, तो इस प्रकार से हमें 23 कसाय। ज्ञान मार्ग के अनुसार 91 लाख करोड़ में 2, तो इसमें 67 एकेंद्री के और विकेंद्री के 24, तो मिला करके 91 लाख करोड़ हो गए। इनके पास में कोमति और पुष्प। फिर इसके बाद में 94.5, इनके पास में 6, तो इसमें आएंगे पंचेंद्री त्रियंश देव और नागी, इनके पास में 6 आए, 3 सम्यक उपयोग और 3 तृतीया उपयोग, तो उसमें देव और नागी के मिलकर के 51 हो जाते हैं और उसमें 43.5, तो ये मिलकर के 94.5 हो गए। और जो 14 लाख करोड़ होते हैं मनुष्यों में उनमें 8 के होंगे उपाय करते हैं। संयोग मार्ग के अनुसार 142 में 1 यानी असंयोग, तो इसमें 67 एकेंद्री के 24 विकेंद्री के 25 नारकियों के और 26 जो है देवों की, ये सब में असंयोग नहीं होता है इसलिए 142 हो गए। 43.5 में 2 है, तो उसमें संयम तो नहीं रहता, असंयम असंयम रहता है और असंयम रहता है त्रेंचों में, तो उसके पीछे 43.5 और 14 लाख मनुष्यों में हमने 7 प्रकार के संयम पाए करते हैं। अब दर्शन मार्ग के अनुसार 82 लाख करोड़ में 1, तो इसमें 1 इंद्री 2 इंद्री और 3 इंद्री, इनके पास में 67 धन 15, तो 82 लाख करोड़, क्योंकि इनके पास में केवल चक्षु दर्शन होता है। फिर 9 लाख करोड़ में तो उनके पास में 4 इंद्री जीव है, उनके पास में चक्षु दर्शन किया जाता है। फिर इसके बाद में 94.5 में 3, तो उसमें देव नारकी और जो बच्चे भी त्रियंश हैं उनके पास में अभिदर्शन भी हो सकता है। और 14 लाख करोड़ में जो है 4, तो उसमें वहां पर 4 दर्शन होते हैं, देव दर्शन भी हो सकता है। लेशिया मार्ग के अनुसार 116 में 3 अशुभ लेशिया है, तो इसमें एकेंद्री विकलेंद्री और नारकी, इनके पास में 3 जो है अशुभ लेशिया रहेगी। और 83.5 के पास में 6 लेशियाएं हो सकती है, तो इसमें देव त्रियंश पंचेंद्री और मनुष्य, ये मिला करके 83.5 हो जाते हैं। भव्य मार्ग के अनुसार 199.5 पूरी पूर्ण होती है, तो इसमें दोनों प्रकार के भव्य भव्य दोनों जीव पाए जाते हैं। समेत मार्ग के अनुसार 10 लाख करोड़ जहां पर है वहां पर एक समेत यानी विद्या, अपने इसको देख चुके हैं पहले, उसमें 3 लाख जो है वो अग्नि काय के और 7 लाख वायु काय के, इनमें जो है एक स्थान होता है, क्योंकि इसमें 7 वाले उपाय नहीं होते।
फिर 81 लाख करोड़ में दो यानी सम्यकता विख्यात और शासन ऐसे जो है दो रहेंगे, तो उसमें 22 लाख पृथ्वी का यज्ञ, 7 लाख जल का यज्ञ, 28 लाख वनस्पति का यज्ञ, विक्रेंद्री के 24, तो ये मिला करके ये 81 लाख हो गए, 81 लाख हो गए, तो इसमें दो सम्यक रहेंगे। फिर 12 लाख करोड़ में 12.5 लाख करोड़ में इनमें 5, तो इसमें 5 सम्यक, ये जो 5 सम्यक लिए हैं इसमें, तो इसमें 6 सम्यक जलचर में नहीं होता, जलचर में 6 सम्यक नहीं होता क्योंकि भूमि में जलचर जीव नहीं होते, इसलिए इसमें 5 लिए। और 96 लाख करोड़ में 6, तो इसमें देवनागरी भी है मनुष्य भी है, और जो दो छूट गए हैं फंशर और रामचर उनको मिलाकर 31 लाख करोड़ होते हैं, तो उनके पास में 6 सम्यक हो सकते हैं। संगी मार्गा के अनुसार 65 में ये असंगी ही रहेगी, तो उनमें नहीं यहाँ पर 65 में जो है संगी ही रहेगी, तो इसमें 65 में संगी रहेंगे कौन कौन से, देव नारी और मनुष्य, तो 25, 26 और 14 ये हुए 65। फिर 45.5 में दोनों हो सकते हैं संगी असंगी, तो ये पेंच में दोनों होते हैं, और 91 में केवल एक यानी असंगी रहेंगे, तो इसमें जो 67 लाख करोड़ है एक व्यक्ति के वो कितने दिए 24 की असंगी ही होगी। अब आहार मात्रा के अनुसार 199 एक सही दो, 199 सही एक बटे दो, इनमें जो है दोनों है आहार अनहार दोनों हो रहे हैं, पूरे दिन जो है आहार अनहार दोनों होते हैं। गुण स्थान की अपेक्षा से 10 लाख करोड़ में एक, अब ये मैंने लगाया था उसमें 3 लाख भूमि के और 7 लाख करोड़ वायु के, इसमें एक। फिर 81 लाख करोड़ में दो, तो वो भी अपने अभी सम्यक की मात्रा में लगाया था, और 43 लाख करोड़ में 5, ये जो है त्रिलोक में पांचवा स्थान भी होता है। फिर 51 लाख करोड़ में 4, तो ये देव और नागनी होंगे, और 14 लाख करोड़ में 14 स्थान होते हैं, ये मनुष्यों की अपेक्षा से। जीव समास में 22 लाख करोड़ में 2, तो जो पृथ्वी का एक सूक्ष्म और बादल होते हैं इनमें 2 है वहां पर जीव समास हो गए सूक्ष्म और बादल की अपेक्षा से। फिर 7 लाख के 7-7 लाख के 5 हैं, तो उसमें जल का एक में भी 7 लाख करोड़ है, इसमें सूक्ष्म और बादल वायु के जो है उनके पास भी जो है सूक्ष्म और बादल है, उनके भी 7-7 लाख करोड़ है, और ग्रीवी जीव के पास में भी 7 लाख करोड़ है, ये सारे 5 मिलकर के 7 लाख करोड़ वाले 5 हो गए। फिर 3 लाख करोड़ वाले 2, तो उसमें अग्नि काय के सूक्ष्म और बादल की अपेक्षा से। 28 लाख करोड़ वाले 6 हैं, तो इसमें निगो जो है नित्य और इतर और इनमें भी सूक्ष्म और बादल की अपेक्षा से 4 हो गए। फिर सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ये मिला करके 28 लाख करोड़ में 6 भी हो जाए, 6 जीव समास हो जाते हैं। फिर 8 लाख करोड़ में 1, तो ये हो गया 3 इंद्री का। फिर 9 लाख करोड़ का 1, ये हो गया 4 इंद्री का, क्योंकि 7 जो है पहले निकल चुका है 2 इंद्री वाला। फिर 65 लाख करोड़ में 1 यानी देवनागरी और मनुष्य, इनके पास में संगी पंचेंद्रीय होते हैं। और 43.5 लाख करोड़ में 2 यानी संगी असंगी त्रिलोक की अपेक्षा से। अब पर्यावरण की अपेक्षा से 65 लाख करोड़ में 6 पर्यावरणियां, ये कौन सी जाएंगे, देवनागरी और मनुष्य। फिर 43.5 लाख करोड़ में 6 भी हैं और 5 भी हैं, तो 6 जो है संगी की अपेक्षा से और असंगी की अपेक्षा से 5 पर्याप्तियां। फिर 67 लाख करोड़ में 4, ये एक एक दिन की 4 पर्याप्तियां होती हैं। और 24 लाख करोड़ में विक्रेंद्री हैं, उनके पास में 5 पर्याप्तियां होती हैं, क्योंकि उनके पास में जीवा के कारण है वचन पर्याप्ति की होती है उनके पास में। फिर इसके बाद में प्राण मारणा के अनुसार 65
लाख करोड़ में 10, तो देवनाग भी मनुष्य इनके पास में, और इनके पास में अपर्याप्त अवस्था में 7 प्राण भी होते हैं। 21 में 65 में 10 और 7 को लगाए, फिर 67 लाख करोड़ में 4 प्राण, एक एक तीन के 4 प्राण होते हैं। फिर 43.5 लाख करोड़ में 10 प्राण भी बताए हैं, 9 भी बताए हैं, 7 भी बताए हैं। तो 10 हो गए पंचेंद्रीय की अपेक्षा, संगीत की अपेक्षा, 9 हो गए असंगीत की अपेक्षा, और 7 उनके अपर्याप्त अवस्था के। फिर 7 प्राण नहीं, 7 लाख करोड़ में 6 प्राण, तो ये हो गए 6 प्राण किसके पास होते हैं, तो इंद्रिय के पास। और 8 लाख करोड़ के पास में 7, तो 3 इंद्रिय के हो गए। और 9 लाख करोड़ ये 8, तो इसमें ये 4 इंद्रिय के प्राण। संख्या मानना के अनुसार सारे जीवों के पास में सारी शारीर है, वैसे ये मानना नहीं है, लेकिन मानना तो केवल 14 होती है, तो यहाँ पर जो संख्या के अनुसार सारे जीवों के पास में 4 संख्याएं होती हैं। उपयोग की अपेक्षा से 94.5 इनमें 9 उपयोग, तो 9 उपयोग में क्या 3 संज्ञ 3 मिथ्या और 3 दर्शन उपयोग, काफी दर्शन होता है। देव नागरी और संगीत में तो उनके 25, 26 और 43 लीटर के 94.5 हो गए। फिर 4 उपयोग ये 9 लाख करोड़ में, तो शारीरिक के पास में 4 उपयोग हो जाते हैं, मछली कुमति कुशुण और चक्षु अचक्षु। फिर 82 लाख करोड़ में 3, तो एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री इनके पास में, तो इनके 67 15 ये 82 लाख करोड़ में 3 उपयोग, और 14 लाख करोड़ में 12 उपयोग, तो ये मनुष्यों में हुए उपयोग। ज्ञान के अनुसार 14 लाख में 16 ज्ञान, मनुष्यों में पूरे सूर्य ज्ञान आदि सब हो जाते हैं, इसलिए 16 ज्ञान। 47.5 लाख करोड़ ये 300 की संख्या के होते हैं, तो उनमें 11 क्योंकि उनमें वहां पर तीसरा धर्म ज्ञान भी संभव है, तो 4 आर्थ के 4 ब्रह्म के और 3 धर्म ज्ञान के। फिर 91 लाख करोड़ में 8, तो उसमें एक इंद्रिय और द्वितीय इंद्रिय इनमें आर्थ ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पूरे पूरे पाए जाते हैं। फिर 26 लाख करोड़ में 10, तो देवों के पास में वहां पर 2 धर्म ज्ञान होते हैं, और 25 लाख करोड़ में 9, क्योंकि नारियों के पास में केवल बाकिया विषय जो समय दृष्टि होते हैं उनका केवल बाकिया विषय धर्म ज्ञान माना जाता है। अब आश्रम की अपेक्षा से 67 लाख करोड़ में जो कि एक इंद्रिय है उसमें 38 आश्रम, फिर 7 लाख करोड़ में 40, क्योंकि बिजली से दो की वृद्धि होती है, दर्शन इंद्रिय बढ़ती है तो उसका अभिवृद्धि बढ़ती है, और साथ साथ में एक किसकी वृद्धि होती है, योग की वृद्धि होती है, अनुभव वृद्धि होती है। फिर 3 इंद्री में जो है 8 लाख करोड़ उनके 41 होते हैं, इसमें एक अभिवृद्धि और बढ़ जाती है। फिर चतुर्थी में 9 लाख करोड़ उनमें 42 हो जाते हैं। फिर 26 लाख करोड़ जो देवों के होते हैं उनमें 52 हो जाते हैं। तो उसके बारे में कि इनके पास में एक वेद की कमी है और औदारी औदारी मिश्र और आहार मिश्र नहीं है, ऐसे करके इनमें 52 जो है आश्रम होते हैं। फिर 25 लाख करोड़ नारकियों के हैं, फिर इनमें एक वेद की और कमी हो जाती है, जिसकी इसमें 51। फिर मनुष्यों में 43.5 नहीं तो 300 में आएगा, तो 43.5 लाख जो है 300 के हैं, उनके पास में 93, क्योंकि इनके पास में आहार मिश्र और बैकरी पर बैकरी विस्तार की कमी होती है, और मनुष्यों के पास में 14 लाख करोड़ में 55, क्योंकि इनके पास में बैकरी पर बैकरी विस्तार नहीं होता। जाति 7, 8, 9 ये 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ ये जो है इनकी जातियां 2 लाख, क्योंकि दूसरी तीन की चार की तो 2 लाख। फिर 25, 26, 43 इन तीनों की जो कि देव नारी और तिरंग की 4 लाख,
फिर 22, 7, 3, 7 तो इसमें 22 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, इन सबकी जो है 7-7 लाख, ये पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक और वायु का एक। फिर 28 लाख करोड़ ये वनस्पति के हैं, तो इनकी जातियां जो है 10 लाख। फिर 14 लाख करोड़ जो है वो मनुष्य हैं और उनकी 14 लाख की जाति है। तो इस प्रकार से ये कुल संबंधी 24 स्थानों को अपन ने लगाया। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत समय से लोगों की भावना थी और हमारे मन में था कि 24 स्थान जो है पूरा इस बार अच्छे से लगा सके, तो आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं।